हमारे साथ हैं आफरीन। आफरीन, आपके यहाँ मैंने सुना हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर एक्सटेंशन अलावा और भी बहुत सारे कुछ होते हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो सबसे पहले लोग चाहते हैं कि स्किन उसके बहुत खूबसूरत हो, अच्छे हो। स्किन ट्रीटमेंट में क्या है, किस तरह की फैसिलिटीज है? अगर कोई आपके हेयर क्लब में आ रहा है, जैसे हेल्थ क्लब में जाता है तो फिट हो जाता है, हेयर क्लब में आता है तो कितना खूबसूरत बन के जाता है? आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो कि बिफोर और आफ्टर पिक्चर्स और वीडियोस बहुत सारे हैं। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो एक स्किन ट्रीटमेंट जो होता है, स्किन ट्रीटमेंट किस किस तरह के होते हैं? हमारे स्किन में कुछ तो रफनेस आ गया है, कोई ड्राई स्किन होते हैं, कोई ऑयली स्किन होते हैं, तो ये क्यों होते हैं और इसके ट्रीटमेंट आप लोग किस तरह से करते हैं? जी, हाइड्रा फेशियल, ये ऐसा, ये देखिए हाइड्रा फेशियल की मशीन है। फेशियल हम जब लेते हैं तो हाइड्रा फेशियल के 7 स्टेप्स होते हैं और ये आप जब एक बार लेते हो तो उसके 3 डेज बाद आपको 100% इसका रिजल्ट मिलता है और इसके बाद में आपको हर मंथ 3 टाइम ये सेशंस लेने होते हैं। हाइड्रा फेशियल की खासियत क्या है, ये क्यों लेते हैं लोग? ये हाइड्रेट करता है स्किन को। ओके, आपके स्क्रीन को, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी को लगता है, जैसे स्किन के लिए भी ये चीज है, ये एडवांस ट्रीटमेंट है। ओके, वो आपके यहाँ अवेलेबल है वो फैसिलिटी? और बहुत सारी ट्रीटमेंट होती है स्किन के लिए, हाइड्रा फेशियल है, बीबी ग्लो फेशियल है, कोरियन ग्लो फेशियल है, माइक्रो नीडलिंग है। माइक्रो नीडलिंग बहुत ही बेनिफिट होती है, जैसे गड्ढे वाले स्किन हो गई और एक्ने मार्क हो गया, वो सारी स्किन्स के लिए ये हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं और उसका रिजल्ट भी 100% आता है। हेयर ट्रीटमेंट में किस किस तरह के ट्रीटमेंट है और क्या लोगों को रेगुलर कराना चाहिए? रेगुलर नहीं, इसको हम 4 मंथ में 1 टाइम करते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट हो गया, बोटॉक्स ट्रीटमेंट हो गया, बहुत सारे अभी न्यू ट्रीटमेंट आया, नैनोप्लास्टिया हो गया, वेगन ट्रीटमेंट है जो मेरे यहाँ पे बहुत रनिंग है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये है और इसको 4 मंथ में एक बार करना चाहिए। हाँ, जी, यानी 3 से 4 महीने में आपके हेल्थ को केयर करने के लिए बायोटीन है इसमें, केराटीन में प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है। okay. इसलिए हम ये बालों की जो नेसेसरी होती है, बालों का फूड ऐसा होता है। और वो हेयर एक्सटेंशन क्या होता है? हेयर एक्सटेंशन मतलब छोटे छोटे बाल है और उसको इतने लंबे लंबे कैसे कर देते हैं? मैजिक कैसे होता है वो? हेयर एक्सटेंशन जो होता है वो 100% ह्यूमन हेयर होता है। ओके, उसकी जो क्वालिटी होती है 100% बहुत बहुत अच्छा आता है, बिकॉज मेरे पास जो है वो तो 100% रियल होगा हेयर और उसमें हम कलर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो चाहे, जैसे कर्ल कर लो, आइनिंग कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, तो वैसा होता है और उसके साथ में आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं, टाइम चलती है। तो क्या ये हेयर ज्वाइंट हो जाता है? हाँ, माइक्रो नैनो, ये बोलते हैं नैनो रिंग्स बोलते हैं, हाँ, माइक्रो रिंग बोलते हैं, उसके साथ में हम अटैच करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये हेयर क्लब ही है, ब्यूटी से रिलेटेड, चेहरे से रिलेटेड, बाल से रिलेटेड, के लिए आपके खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए ही आप सलोन में जाते हो। तो आफरीन का ये जो हेयर क्लब है मुझे अच्छा दिखा, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ दिख रही है मुझे, उसके वीडियोज़ हम स्क्रीन पे चला देंगे, आप देखेंगे। और इन्होंने बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे मेल फीमेल्स के ट्रीटमेंट किए हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर यहाँ पे विजिट किए हैं और एक तो यहाँ बैठे हुए हैं तो ये एक यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पे आइए। इसको क्या कर सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो क्या? मैं अभी हाँ, ऐसा दिख रहा हूँ आपके यहाँ ट्रीटमेंट कराने के बाद कुछ नहीं, नहीं करवाइए, चेहरा अच्छा दिखेगा। मैं चाहती हूँ आप हमसे ट्रीटमेंट लो, ट्राई करूंगा यहाँ पे कि क्या वो सही में उस तरह से काम कर रहा है कि नहीं, देन 100% फीडबैक मैं आपको दे पाऊंगा। तो अब मैं अपने ट्रीटमेंट के बाद आपको ये वीडियो कंटिन्यू करूंगा कि मुझे कैसा लगा, अभी मैं कैसा दिख रहा हूँ देखो इनके यहाँ ट्रीटमेंट कराने के बाद, यानी हेयर कट कराने के बाद मैं कैसा दिखता हूँ वो मैं आपको बताऊँ। दोस्तों इसके बगल वाले स्क्रीन में मेरा थोड़ी देर पहले, यानी कि 1 घंटे पहले का लुक दिख रहा है, बड़े ही अजीब से बाल दिख रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने एक ट्रीटमेंट की, व्हाट इज दैट, हाइड्रा फेशियल। यार ये हाइड्रा फेशियल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं कराया था,
वो फेशियल वगैरह कराया था, लेकिन बहुत पहले कराता था, अब तो कराना भी छोड़ दिया था, मैंने भूल गया। लेकिन मैं जब यहाँ पे आया तो इन्होंने कहा कि आपको आज हाइड्रा फेशियल कराना चाहिए, मैं करना चाहती हूँ। मुझे भी देखना था क्योंकि आपको वो फीडबैक देना था। हाइड्रा फेशियल में मुझे लगता है कि 30 से 45 मिनट लगा होगा, 45 मिनट के आसपास। और उन्होंने जो लेयर यूज किया, वो 5-7 लेयर क्या क्या उन्होंने यूज किया, वो आप वीडियो में देख सकते हो। बट आफ्टर दिस हाइड्रा फेशियल फेस पे मेरे क्या ग्लो आया वो आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको एक और उसका प्लस पॉइंट बताऊँ, एक और अच्छा, तो मतलब आपकी स्किन ना बड़े खुले खुले से यानी ओपन लग रहे। हाइड्रा फेशियल से आपके जो स्ट्रेस है वो भी कम होते हैं, ऐसा मैंने उस ट्रीटमेंट के दौरान महसूस किया। ट्रीटमेंट में अलग अलग तरह के खुशबू आ रहे थे, कुछ लिक्विड लगा रहे थे तो उसके बड़े प्यारे प्यारे खुशबू थे, तो उसको फील किया मैंने हाइड्रा फेशियल में। और ये जो हेयर कट है आप देख रहे, इनसे मैंने थोड़ा सा जिक्र किया कि इस तरह का हेयर कट चाहिए, लेकिन मैंने बताते बताते थोड़ी देर कर दी तो उन्होंने थोड़ा सा किया, लेकिन मैंने जो बताया वो इन्होंने कर दिया। तो मुझे लगता है कि मुझे इस तरह के हेयर पसंद है। अब ये थोड़ा ग्रो होगा तो मैं इसको ऐसा कर लूँगा, तो टू वे लाइक हेयर कट है। तो मैं आपको बताऊँ कि HC हेयर क्लब, हेयर क्लब आपने हेल्थ क्लब सुना होगा, दिस इज आफरीन्स हेयर क्लब। यहाँ पे आप आइए और जैसे चाहिए खुद को सजाइए, सवारिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।